हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब दोपहर का टाइम है और ये देखिए मेरी छोटी बहन आई है मिलने। दिवाली में मायके में तो सभी आए हैं मगर एक एक करके मुझे मिलने आ रहे। सुबह के टाइम अभी एक बहन मिलने आई थी मगर वीडियो नहीं बनाया है मैंने, बहुत अर्जेंट उसे जाना भी था तो थोड़ी देर बातें करें। वीडियो करते रहेंगे तो बातें नहीं हो पाती है। और ये सानवी को देखिए, आते इनके पास चली गई है, सबके पास जाती है और सबको बहुत हंसाती है, खुद भी हंसती है, बहुत प्यारी बच्ची है और इसे देखते ही ना लेने का मन करता है सबका। और ये मेरा छोटा भाई है और ये देखिए सानवी इसके साथ बहुत मस्ती करती है और यहाँ पर जो लकड़ी फंसाई है ना रस्सी बांध के उसको लटका रहा है इसे। मामा भांजी की तो मस्ती चलती रहेगी, थोड़ी देर हम भी बातें कर लेते हैं। रोहिणी पंचमी के टाइम आई थी तब आपने वीडियो भी देखा होगा, तब का तब रोहिणी अर्चना तभी सभी जब भी मायके सारी बहनें आ जाती है तो मेरे पास आ जाती है, रास्ते में पड़ता है मेरा घर, तो यहाँ से होकर ही अपने गांव जाती है ये। तो कौन से भी त्यौहार कोई आ जाए मेरे पास आकर मुझे मिल के ही जाती है। तो रोहिणी से मेरी बातें चल रही है और सानवी ना मेरे पास बिल्कुल बैठ नहीं पा रही, उसे जाना है उसके मामा के पास। वो देखिए कैसे मस्ती करने में लगा हुआ है तो इसे नहीं ले रहा है तो रो रही है, उसके पास ही जाना है इसे। इसे भी इस तरह से इस लकड़ी को पकड़ कर लटकना है। बहुत दिनों के बाद जब हम मिलते हैं ना बहुत सारी बातें याद आ जाती है इधर की उधर की, तो वही हमारी बातें चल रही है। और सानवी ना पानी देखते ही खेलने लगती है, तो वहाँ पर पानी का हांडा रखा हुआ है तो उसके अंदर हाथ डालकर खेल रही है। और यहाँ पर हमारा चल रहा है दोपहर का लंच, तो लंच में सब्जी रोटी चावल ही सिंपल सा खाना बनाया है और हमारा खाना पीना हो चुका है। और ये देखिए हमारा खाना पीना हो चुका है और सानवी और ये दोनों बातें कर रहे हैं इशारों में, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। सानवी भी बहुत ज़्यादा हूँ कर रही है कब से, और रोहिणी अभी खाना खा रही है, वो बहुत धीरे धीरे खाना खा लेती है तो इसीलिए पीछे पड़ जाती है। हम सभी खाना खाकर उठ चुके हैं, वो अभी खाना खा रही है। तो हमारा खाना पीना हो चुका है, अब चलते हैं नीचे फ्लैट में। और जैसे ही खाना खाकर पानी पी लेते हैं ना, बहुत ठंडी हवा चल रही है ना तो ठंड लगती है, तो फ्लैट में थोड़ी सी धूप है, अच्छी गर्म है थोड़ा सा यहाँ पर, तो नीचे आ चुके हैं फ्लैट में। तो रोहिणी वही देख रही है, फूल भी पहले ज़्यादा लगते थे यहाँ पर सेवन के, अब नहीं लग रहे उतने, और तोरे वगैरह बहुत ज़्यादा लग रही है लोगों की, वो सब देख रही है। तो ऐसे ही थोड़ा सा घूम लेते हैं घर के आजू बाजू ही। अब दोपहर के 4:30 बज रहे और दिनेश स्कूल से आया है और वो गया है बस स्टैंड तक उसके मौसी को लाने। मेरी अभी एक बहन आ रही है, तो ये देखिए अश्विनी आ चुकी है। अश्विनी मेरी तीसरे नंबर की बहन है। तो अश्विनी के पति, अश्विनी की ननन जी और अश्विनी के दो बेटे किशोर और कृष्णा सभी आए हैं। तो पहले तो इनको पैर धोने के लिए पानी दे दिया है।
और ये देखिए बहन को मिलने का उत्साह, बहुत दिनों के बाद अश्विनी मिल रही है मुझसे, कम से कम 1 से 1.5 साल हो चुका है इसे मिले हुए। ये पुणे में रहती है तो नहीं आ पाती उतने दूर से, और तब पहली बार जब लॉकडाउन लगा था ना तब ही आई थी, तब सबसे मिल के गई है, फिर बाद में आ ही नहीं पाई। तो बहुत दिनों के बाद अश्विनी को देखकर खुशी भी हो रही है और आंखों में पानी भी आ रहा है। बहुत दिनों बाद मिलते हैं ना तो ऐसा ही होता है। और जो मेरे और बहनें ना वो पास में ही रहते हैं, गांव में रहते हैं, यहीं आजू बाजू में, तो हम सभी पास पास रहते हैं, बस ये अकेली बहन ही पुणे में रहती है, बहुत दूर, ना हम वहाँ पर जा पाते हैं ना ये आ पाती है। अब ये बहुत परेशानी हो चुकी है इसे आते समय, क्योंकि महाराष्ट्र में बस बंद है तो आने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, और एक तो ये त्यौहार है, फिर बस बंद है और बहुत सारे लोग आने जाने वाले, वो सबको परेशानी हो रही है बस बंद होने की वजह से। तो ये अश्विनी की नंद जी है, और कृष्णा है ये। किशोर यहाँ पर बैठा है, तो सबको ऐसे देख के बहुत खुशी हो रही है मुझे। और ये अश्विनी के पति है, तो पहले तो सबको मैं पानी दे देती हूँ। और ये अंबादस है अर्चना का बेटा, आपने पहली वीडियो में भी देखा होगा, बहुत शैतानी करता है अंबादस। अभी अर्चना नहीं आई है, आने वाली है, अंबादस आ चुका है, वैष्णवी और अर्चना कल आएंगे, तो रोहिणी, अंबादस और छोटा भाई आए हैं ये। तो सब बहुत मस्ती करने में लगे हुए, बच्चे सब एक साथ हो चुके हैं ना, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं भी, कोई किसी की नहीं सुन रहा है, सब अपनी अपनी बात बताने में ही लगे हुए हैं बच्चे सारे, इतनी मस्ती, इतना शोर मचा रहे हैं ना। और ये लंच करके दोपहर में गए थे गैरेज, और जैसे ये अश्विनी और सभी ये मेहमान आए हैं, इनको बोला फ़ोन करके, तो ये तुरंत आ गए सबसे मिलने। और आते समय बच्चों के लिए बादाम मिल्क से पानी पूरी वगैरह लिया है, जिन्हें जो पसंद है वो खा लेंगे। और मेरी लग रही है शाम वाली झाड़ू, हॉल में झाड़ू लगा दी है, बाहर पोर्स में भी लगा दूंगी। और ये बातें कर रहे हैं तब तक मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। यहाँ पर चल रही इन सब की बातें, और ये रोहिणी पता नहीं क्या कर रही है यहाँ पर, और कृष्णा और किशोर ये पंची लेकर बैठे हैं, जो लाइट वाली पंची है उसमें लाइट लगती है, तो वही देख रहे हैं। और मैं ऐसे झाड़ू लेकर घूम रही हूँ, झाड़ू लग चुकी है, अब फ्रेश होकर आ जाती हूँ। ये बच्चों के लिए बादाम मिल्क शेक ले आए हैं, तो रोहिणी वही पैकिंग खोलकर बच्चों को दे रही है, बहुत अच्छे से पैक किया गया डब्बा है ये, तो उसकी पैकिंग खोलकर बच्चों को पीने के लिए दे रही है बादाम मिल्क से।
दिनेश मार्केट गया था सब्जियां लाने के लिए, उसके साथ किशोर और अंबादास ये दोनों भी गए थे। मना कर रही थी मैं, फिर भी अब जब बच्चे एक साथ मिल जाते हैं ना तो बिल्कुल एक दूसरे को छोड़ के नहीं रहते हैं, तो उसके साथ मार्केट गए थे और अभी भी आ चुके हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब दीदी, पूजा और सोनल सभी आए थे तब जब वो रहकर गए ना दो दिन, तो बहुत सुना सुना सा लग रहा था, मगर आज ये सभी आए ना बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर हमारी बातें भी चल रही है और मैं ये पानी पूरी की प्लेटें भी लगा ले रही हूँ। अभी इस वीडियो को यहीं पर कर देती हूँ एंड, और मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी न्यू वीडियोस, न्यू व्लॉग्स आपको डेली डेली मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।